सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल हनी किचन जोन को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी किचन जोन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू रेसिपी मसाला चिकन रोस्ट की। ये बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनता है। इसके लिए हमें ओवन की भी जरूरत नहीं है, ना हमें जरूरत है तंदूर की। हम इसे सिंपल अपना गैस चूल्हे पे इसे कुक करेंगे और वो बहुत ही इजी मेथड से करेंगे। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स आपको जल्दी से बता दें। यहाँ हमने लिया है 700 ग्राम चिकन, जिसको हमने अच्छी तरह वॉश करके रख दिया है। 150 ग्राम हमारे यहाँ पे कर्ड है, दही 1.5 टीस्पून यहाँ पे ड्राई फेनुग्रीक है यानी कि सूखी हुई मेथी, और 1/4 टीस्पून हमारे यहाँ पर ये फूड कलर है तंदूरी ऑरेंज कलर, 1 फ्रेश लेमन जूस यानी कि 1 नींबू का रस है, और 2 टीस्पून हमारे यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया है यानी कि 1 चाय का चम्मच हमने पीसी हुई लाल मिर्च ली है, और 1 चाय का चम्मच हमने नमक लिया है, पर नमक स्वाद के अनुसार है, इसे आप कम और ज्यादा भी ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून हमारे यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर है यानी कि काली मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून हमारे यहाँ पे क्यूमिन सीड पाउडर है यानी कि जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पे हमारा गर्म मसाला है, 1 टीस्पून ही यहाँ पे हमारा कोरिएंडर पाउडर है यानी कि धनिया पाउडर, और यहाँ हमें नीड होगी कुकिंग ऑयल की। सबसे पहले हम चिकन की पीसेस लेके इसमें हम कट लगा देंगे। इसी तरह हम सारे चिकन पे ऐसे कट लगा देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक बाउल, बाउल में हम शिफ्ट कर देते हैं अपने चिकन जिसमें हमने कर्ड्स लगाए हैं, ऐड कर देंगे इसमें अपनी कर्ड, सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लेमन जूस, और ये सूखी हुई मेथी, इसे थोड़ा सा ऐसे क्रश कर लेंगे, यूं ऐसे करके थोड़ा सा डाल देंगे, फूड कलर, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है, इसके कर्ड्स में भी अच्छी तरह हमने इसको अंदर सही तरह लगा दिया है इसको, और इसे में हमने जो 1/4 टीस्पून हमने इसमें ये फूड कलर डाला था तो हमें कम लगा, तो हमने 1/4 टीस्पून और डाल दिया यानी कि हमारा टोटल फूड कलर इसमें 1/2 टीस्पून चला गया है। अब इसे हम 30 मिनट्स मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख देते हैं इसे ढक के। फ्रेंड्स, हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 30 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसे हम अपनी एक कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं। इसे शिफ्ट कर देते हैं हम अपने कढ़ाई में ये चिकन, ये काफी अच्छे से मैरिनेट हुआ है हमारा चिकन, अब इसे हम लीड लगा के 15 मिनट के लिए रख देते हैं, गैस पर रख देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसे खोल के देखेंगे। इसे हमें 15 मिनट स्लो टू मीडियम पे कुक करना है। 15 मिनट्स हो चुके हैं इसे कुक होते हुए, हमने ये मीडियम फ्लेम पे रखा था, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, थोड़ा सा इसे हम ऊपर नीचे कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा चला लेते हैं। ये देखिए मैरिनेट जो है हमारा काफी अच्छा हुआ है, अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपना ऑयल। हम इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं, ये 40 to 50 ग्राम्स है यानी ये जो चम्मच हमने लिया है इसके हिसाब से ये 1/2 स्पून हमने लिया है यानी कि 40 ग्राम्स या 50 ग्राम्स है ये। सारे हमारे मसालों की इंग्रेडिएंट्स की और ये ऑयल की जितने भी हमें इसमें डाला है इसमें सबके इंग्रेडिएंट्स की आप क्वांटिटी हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देते हैं, देख लीजिएगा आप वहां पे जाके। ऑयल डालने के बाद इसे 15 मिनट्स और हम इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए रख लेते हैं। 15 मिनट्स हो चुके हैं, चिकन हमारा अच्छी तरह गल गया है, अब हमें यहाँ पे हम इसे फास्ट कर देंगे अपनी फ्लेम को, हमने फास्ट कर दिया है इसे, हाई फ्लेम कर दिए, अब हाई फ्लेम पे इसे 10 मिनट रख के और इसे कुक कर लेते हैं।
फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा पूरी अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और चिकन ने अपना ऑयल भी सेपरेट कर दिया है। ये हमारा रेडी हो चुका है, इसे अब हम चारकोल से इसे स्मोक करते हैं। यहाँ हमने एक चारकोल रख दिया है गैस के ऊपर, उसे अच्छी तरह से जलने दे रहे हैं। चारकोल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें स्मोक फ्लेवर देते हैं। इसमें हमें भी अपने यहाँ पे जगह बना के एक फॉइल पेपर की छोटी सी कटोरी बना के रख देते हैं और इसमें हमें अपना चारकोल रख देते हैं और इसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर देते हैं जिससे इसमें तंदूर का फ्लेवर आएगा और इसे 5 मिनट ऐसे रहने देते हैं ताकि इसमें पूरा फ्लेवर आ जाए तंदूर का। फ्रेंड्स हम अपनी लीड खोल लेते हैं, ये देखिए काफी अच्छा फ्लेवर आया है। ये देखिए बहुत ही पूरा किचन हमारा स्मोक से, तंदूरी स्मोक से खुशबू से फैल गया है। अब इसे डिश आउट कर लेते हैं हम। सो फ्रेंड्स फाइनली हमारा मसाला चिकन रोस्टेड बनके रेडी हो चुका है, देखिए कितना टेस्टी डिलीशियस लग रहा है। इसे हमने सर्व किया है दही वाली चटनी के साथ, इसकी हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है, आप हमारे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, इसे हमने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव से गार्निश किया है। ये बिल्कुल तंदूर के जैसा ही इसमें फ्लेवर और तंदूर के जैसा ही जायका है इसमें और बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही ईजी मैथड से बना है। ये देखिए इसे हमने थोड़ा सा बटर से गार्निश किया है और कोरिएंडर लीव्स से गार्निश किया है। देखिए फ्रेंड्स अगर आज की आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचें। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। ओके अल्लाह हाफिज़।